बोकारो के दुगदा थाना पुलिस ने बीती रात्रि को नाला पट्टी में अवैध कोयला लोड हुए ट्रक को जब्त किया। जब्त ट्रक में करीब 7 टन कच्चा कोयला लोड है। आपको बताते चले कि दुगदा थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान रात्रि करीब 2 बजे नाला पट्टी में स्टीम कोयला ट्रक संख्या BR24GA3794 में लोड हो रहा था, उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। पुलिस को आता देख कोयले के अवैध धंधेबाज और ट्रक के चालक और उपचालक अंधेरे का लाभ उठाकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर दुगदा थाना ले आई। बताते चले कि दुगदा नाला पट्टी में कोलियरियों से कोयला टपाकर कोयले के अवैध धंधेबाज जमा करते हैं और रात्रि में ट्रकों में लोड कर कोयला मंडियों में भेज देते हैं। दुगदा थाना प्रभारी कन्हैया राम ने बताया कि गुप्त सूचना पर गश्ती दल ने छापेमारी कर अवैध कोयला लोड हुए ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने दुगदा थाना कांड संख्या 53/2023 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। दुगदा पुलिस की इस कार्रवाई से कोयला चोरों में हड़कंप मच गया है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक कोयला लदा ट्रक पकड़ा है, क्या है मामला? मामला है कल रात्रि में भी सूचना मिली थी कि अवैध कोयला का व्यापारी लोग एक ट्रक में कोयला लोड कर रहे हैं, उसे कैप्टन के लिए मौका भी मिला, फिर वहाँ से कैप्टन किया गया वहाँ पर ट्रक में लोड किया गया और वहाँ से कैप्टन कोयला लगा गया लाया गया। कौन सा गाड़ी है सर? गाड़ी नहीं ट्रक है, काम लगी हुई है। कोयला कितना होगा? लगभग लगभग 7 टन से 7 टन।